हेलो फ्रेंड्स, मैं फरा। चटपटे सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चटपटे सफ़र में बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। देखिए, हमें फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए आलू। हम 4 से 5 आलू ले लेंगे मीडियम साइज़ के। देखिए, इस तरह से हमने 4-5 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब इसको हम पीलर की हेल्प से पील करेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसको छील लेंगे। हम इसके पूरा छिलका उतार देंगे। एक एक करके हमने ये 4-5 आलू पूरी तरीके से छील लिए हैं। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। और देखिए, अब हम इसको काटेंगे। आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी काट सकते हैं। हर आजकल बाज़ार में बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज अवेलेबल हैं। देखिए, जिस तरह से ये हमारे पास है बॉक्स वाला, इसकी हेल्प से बहुत जल्दी चुटकियों में फटाफट फ्रेंच फ्राइज कट के तैयार हो जाता है और बहुत ईजी है। चाहें तो कोई भी बना सकता है घर में इसे, हर एज के बच्चे भी बना सकते हैं इसको। देखिए, इस तरह से बॉक्स में हम पहले आलू को फंसाएंगे इसकी जो जालियां हैं इसके अंदर, फिर इसको धीरे धीरे दबाकर प्रेस करते जाएंगे तो ये नीचे बॉक्स में निकलते जाएंगे। देखिए, किस तरह से कितनी इजीली हमारी फ्रेंच फ्राइज़ कट के तैयार हो रही है। ये देखिए, नीचे हमारी बॉक्स में नीचे से फ्राइज़ कट कट कर निकल रही है, बिल्कुल एक जैसी सिमिलर साइज़ की कट रही है ये, ना कहीं से छोटी ना कहीं से मोटी। देखिए, और ये जो इकट्ठा हो रहा है हम इसको साइड में करते जाएंगे जाली हटाकर, ताकि ये हमारा एक जगह बंच ना बन जाए, हम इजीली फ्राइज़ को काट पाएँ। देखिए, ये हमारी पूरी फ्राइज़ एक जैसी कट कर तैयार है। अब हम इसको सबसे पहले 3 पानी से वॉश करेंगे अच्छे से, बिल्कुल। देखिए, हमने इसको 3 पानी से वॉश कर लेंगे एक बाउल में लेकर। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि हम इसको बॉईल करेंगे, मतलब गरम पानी के अंदर इसका स्टार्च निकालने के लिए हम इसको गरम पानी से धोएंगे। देखिए, हमने एक तपेली के अंदर डालकर उसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ डाल दिए हैं, और उसके अंदर कम से कम 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे और उसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, ताकि क्या होता है नीचे से हीट लगती है तो ऐसा होता है कि नीचे की चीज़ जल्दी पक जाती है और ऊपर की थोड़ा लेट, इसलिए हम इसको कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे ताकि ये एक जैसी ऊपर नीचे से इन सबका स्टार्च निकले। देखिए, और हम पानी को इतना गर्म होने देंगे कि हमारी उंगली में ना रह पाए, हम बॉयल नहीं आने देंगे उसके अंदर, हम उसको मीडियम आँच पे वो करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने एक पानी से इसको अच्छे से डीप कर लिया था, बॉयल कर लिया था, मतलब गर्म पानी से वॉश करने के लिए। देखिए, ये अब हमारा पानी हमने छान लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी बार फिर डालेंगे, पर इस बार पानी में हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे पानी में ऑलरेडी नमक हम डाल चुके थे स्टार्च निकालने के लिए। अब हम ये आलू गलाने के लिए इसको वो कर रहे हैं, तो हम इसमें भी आलू को बॉयल नहीं, पानी को बॉयल नहीं आने देना है हमें। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि 75 डिग्री तक हमें उसको ले जाना है, पानी का जो टेम्परेचर है वो हमारा। देखिए, अब ये सेकेंड टाइम भी हमारे आलू की जो फ्राइज़ है वो बॉयल हो चुकी थी, अब हमने उसका पानी निकाल दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सुखाएंगे। सुखाएंगे से मीन्स उसका पानी, जो पूरा जो पानी है जो बॉयल उसने सोख लिया है, उसका पूरा पानी को सुखाएंगे। तो ये हमने साफ़ कपड़ा दिया है। अब साफ़ कपड़े के ऊपर हम फ्राइज़ को हल्के हाथ से फैला देंगे और कम से कम इसको आधे घंटे पंखे के नीचे रहने देंगे, ताकि इसका जो पानी है वो कपड़ा सोख ले और पानी ये बिल्कुल फ्राइज़ जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, ताकि हम इसे फ्राई करें तो हमारे ऊपर इसके पानी के छींटे ना उड़े और ये एक जैसी ड्राई हो जाएंगी, इनमें दूर दूर फैलाकर सुखाएंगे। तो देखिए, अब हम धीरे से ऑयल गैस पर ऑयल रख देंगे गर्म होने के लिए, प्री हीट होने के लिए। पहले हम प्री हीट करेंगे ऑयल को, फिर उसके बाद उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम फ्राइज़ को तलते जाएंगे। हमें फ्राइज़ को पूरा पूरा फ्राई नहीं करना है, हम उसे हाफ फ्राई करेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन हो ऐसा हाफ फ्राई करेंगे हम इसको मीडियम आंच पर। देखिए बिल्कुल, और हमें झारे को बिल्कुल हमें उसको बिल्कुल चलाते रहना है कंटिन्यू, क्यों कि अगर हम ऐसे कैसा छोड़ देंगे तो वो एक दूसरे में चिपकने लगेंगे, कहीं से ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे और कहीं से कम। हमें इसे मीडियम आंच पर बिल्कुल हाफ फ्राई करना है। देखिए, हमने ये लगभग सभी हाफ फ्राई करके बाहर निकाल लिए हैं प्लेट में। देखिए, अब हम इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे डीप फ्रीज करेंगे, डीप फ्रीज फ्रीज़र में हम इसे रखेंगे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। ये देखिए, हमने इसको प्लेट में निकाल कर 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। अब हम इसे 5 से 6 घंटे के बाद निकालेंगे
और ये देखिए इस तरह से 5 से 6 घंटे के बाद निकालने के बाद हम इसको फिर से फ्राई करेंगे वंस मोर, और फिर हम इसको, ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। ये देखिए ये बिल्कुल हमारे फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल तैयार हैं। देखिए आप इसे इस तरह से लंच में भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, जो कि मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है लंच में ले जाना, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है फ्रेंच फ्राइज़। तो ये इस तरह से आप रेडी करके रख सकते हैं, आपके गेस्ट आए तो इंस्टेंटली फटाफट हमारी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो जाएंगी नाश्ते के लिए। ये रेडी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।